साथियों, नींद का पूरी होना बहुत जरूरी है। यदि नींद हमारी उचट जाए या नींद हमें कम आए ना आए तो अगला दिन हमारा बहुत प्रभावित होता है। हम फॉगिनेस में रहते हैं, दिमाग हमारा काम नहीं करता है। यदि एक आध बार ऐसा हो कि कभी आपने स्थान परिवर्तन कर दिया, इस वजह से नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई, या यात्रा में थे तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और अक्सर ही यदि आपको नींद कम आए या नींद ना आए तो फिर ये एक भयंकर बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो रेजुवनेट करती हैं जब हम सो रहे होते हैं। इसके अलावा जो लीवर का, गॉल ब्लैडर का जो टाइम है, वो रात को 11 से 1 और 1 से 3 का जो समय ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, ये डिटॉक्सिफिकेशन का ही जो टाइम है। यदि हम समय पर नहीं सोएंगे तो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से टॉक्सिन्स का जमावड़ा रहेगा हमारे शरीर में। तो कोई भी रोग, क्योंकि जहां पर भी जिस भी जगह टॉक्सिन्स का जमाव हो गया, हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उससे रिलेटेड डिसीजेस आ जाएंगी। तो यानी कि एक नींद का ना आना और समय पर ना आना कितनी सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि किस प्रकार से आप कलर थेरेपी से मैग्नेट्स लगाकर जो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, ज्यादा नींद आना और नींद ना आना दोनों ही समस्याएं हैं। जब ज्यादा नींद आने लगे इसका मतलब कहीं ना कहीं लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। वहीं यदि बिल्कुल ही नींद ना आए या बहुत कम नींद आए तो इसका जो कारण है वो गॉल ब्लैडर में है। यानी कि गॉल ब्लैडर की जो हीट है या हॉटनेस एनर्जी है वो जब बढ़ जाएगी, कोल्डनेस कम हो जाएगी, तब व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। ये सब एनर्जीज का ही खेल है कि कौन सी एनर्जी घटी, कौन सी बढ़ी, किस ऑर्गन की बढ़ी, और किस, जब हम एनर्जीज को बैलेंस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वो ऑर्गन है वो हेल्दी हो जाएगा और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि यदि इंसोमिया की प्रॉब्लम है तो इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है हमारा गॉल ब्लैडर। आइए अब देखते हैं कि थेरेपी में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और वो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। हमें थेरेपी में, ट्रीटमेंट में जो जरूरत होगी वो जरूरत होगी टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की, पेपर टेप की, कलर थेरेपी के लिए ब्लू स्केच पेन की। जो ये टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स हैं साथियों, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये एक तरफ से व्हाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स का करना होता है टोनिफिकेशन और कुछ पॉइंट्स का करना होता है सेडेशन। आप कहेंगे ये क्या है टोनिफिकेशन और सेडेशन। टोनिफिकेशन का मतलब एनर्जी को बढ़ाना और वही सेडेशन का मतलब है एनर्जी को घटाना। जब भी कभी हमें एनर्जी को घटाना या बढ़ाना होगा तो हमें इन्हीं मैग्नेट्स की हेल्प लेनी होती है। हम पेपर टेप में इन्हीं को ही लगाकर टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को अपना उपचार करते हैं, है ना। चलिए अब निकाह डालते हैं पॉइंट्स पर कि वो पॉइंट्स कौन से हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि क्योंकि नींद का ना आना, ये गॉल ब्लैडर इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें लेने होंगे गॉल ब्लैडर के ही दो पॉइंट्स। आएंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में देखिए आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे, इन पॉइंट की लोकेशन को समझते हैं। एक तो जैसे आपने मिडिल फिंगर पे आए और बिल्कुल बीचों बीच जब आप लाइन खींचेंगे तो नेल के बेस से स्लाइटली नीचे की तरफ ही है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है GB43, गॉल ब्लैडर 43। एक और पॉइंट, यदि आप मिडिल फिंगर में ही जो अपर जॉइंट है और मिडिल जॉइंट है ना, जिसे बीच की लाइन खींची तो इसका हाफ कर लीजिए, है ना, इन दोनों जॉइंट्स का हाफ में ये पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, इसका नाम है गॉल ब्लैडर 37, GB37। अब हमें एक को करना है टोन और एक पॉइंट का करना है सेडेशन। हमें जरूरत होगी
पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। देखिए, एक छोटा सा मैग्नेट हमने पेपर टेप में ऐसे लगा लिया, है ना। यदि स्किन को जो टच होगा वो इसका व्हाइट कलर होगा और लगने के बाद हमें येलो दिखाई दे तो इसका मतलब सेडेशन। वहीं यदि स्किन में येलो कलर टच हो और लगने के बाद बाहर से हमें व्हाइट कलर दिखाई दे तो इसका मतलब टोनिफिकेशन। हमने कहा था ना, एक कलर का करना, एक पॉइंट का करना है हमें टोनिफिकेशन और एक का करना है सेडेशन। अब देखिए, जो ये ऊपर पॉइंट है GB43, इसका करना है हमें टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन के लिए देखिए, जो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट है हम इस तरीके से लगा लेंगे। जो व्हाइट कलर है ये हमें बाहर से दिखाई दे रहा है ना। और वही अब सेडेशन के लिए देखिए, सेडेशन के लिए जो इसका येलो कलर है ये हमें बाहर से दिखाई देगा। ये पॉइंट था, इस पे हम इस तरीके से एक एक मैग्नेट को लगा लिया। हमने इस पॉइंट का किया सेडेशन और इस पॉइंट का किया टोनिफिकेशन। GB37 सेडेट और GB43 टोन। पॉइंट्स बायलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में, आपको दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को करना है। आप कुछ समय, मतलब जैसे आपने रात में खाना खाया, भोजन किया, लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप सूर्य छिपने से पहले, क्योंकि जितना जल्दी आप भोजन को कर लेंगे उतना जल्दी आपका भोजन पच जाएगा और नींद के लिए आप तैयार होंगे जाने के लिए। और जब भी आप रूम में जाएं तो बिल्कुल मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, रूम को बिल्कुल अंधेरा में रखें ताकि हमें अच्छी और गहरी नींद आए। और इस पॉइंट्स को लगाइए और आंखों को करिए बंद। धीरे धीरे जब एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी तो आपको एक आदत हो जाएगी, फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी। हमने क्या किया एक्चुअली इन पॉइंट्स का, जो हमारा GB43 है ये कोल्डनेस एनर्जी का है, जिसको हमने टोन किया था, है ना। और इसका जहां हमने सेडेट किया था ये हॉटनेस एनर्जी का है। कलर थेरेपी में जो ये हमारा कोल्डनेस एनर्जी है, इसको जब हम टोन करेंगे तो इसका टोनिफिकेशन कलर भी ब्लू है, है ना। तो हम ब्लू कलर भी यहां पर लगा सकते हैं, यानी जो हमारा GB43 था इस जगह पे हम ब्लू कलर को लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं ब्लू कलर को लगा के आपको दिखाती हूं। आप पॉइंट पर इस तरीके से ब्लू कलर लगा सकते हैं। ये हमने लगाया क्योंकि टोन किया था, है ना। ये इसका कोल्डनेस एनर्जी का कलर है। और जो GB37 है ये इसकी हॉटनेस एनर्जी का कलर है। अब इसको किया था हमने सेडेट, तो कलर से भी हम सेडेट कर सकते हैं। जो इसका सेडेशन का कलर है वो भी है ब्लू, इसीलिए हमने इस जगह पे भी ब्लू कलर लगा लिया, क्योंकि यहां पे हमें करना था हॉटनेस का सेडेशन, उसका जो सेडेशन का कलर है वो है ब्लू। यहां पे था कोल्डनेस का पॉइंट, इसका टोनिफिकेशन का भी कलर था ब्लू। इस प्रकार से इन दोनों ही पॉइंट्स पर जब हम ब्लू कलर लगाएंगे तो ये हमारा उपचार हो जाएगा इंसोमिया का। आपको कई दिनों तक इस ट्रीटमेंट को करना है, जब तक आपकी आदत ठीक नहीं हो जाती, जो आपका बिगड़ा हुआ था, है ना। आपको नींद नहीं आती थी, कम नींद आती थी, जब आप गहरी नींद आने लग जाए, क्योंकि जब एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आनी शुरू हो जाएगी, है ना। हमने गॉल ब्लैडर की जो हॉटनेस एनर्जी है उसको सेडेट किया, कोल्डनेस एनर्जी को टोन किया, मैग्नेट से भी और कलर थेरेपी से भी। आप जरूर करिए इस चीज को, है ना। और साथियों, यदि आपको आवश्यकता है इन टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स और पेपर टेप की, तो जो नीचे वेबसाइट के लिंक है ना, sambhavkyor.com, यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों, आप में से भी बहुत लोगों का मन होगा कि इस थेरेपी को सीखने का, कि ये कैसे काम करते हैं पॉइंट्स, कैसे काम करते हैं कलर। तो साथियों, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप घर पर रहकर आसानी से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं। हमने बिगनर्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। आप वेबसाइट पर विजिट करिए, जो sambhavkyor.com, कोर्सेज में जाइए, सिलेबस देखिए। हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ाते हैं, आपको हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। आप वीडियोस के माध्यम से इन सारी चीजों को भी सीख सकते हैं घर पर रहकर ही, बहुत आसान है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी भी कोई समस्या जिसका समाधान आप एक्यूप्रेशर थेरेपी से जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।